ये देखो, ये मैंने तीन स्टिकर प्रिंट कराए, ये बड़ा और ये दो, ये तो मुझ मेरा जो सबसे फेवरेट है वो ये है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई एम योर होस्ट फ्रेंड प्रवीण शेखावत। और जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था दैट कि गाड़ी में कुछ काम कराया, द रीजन बीइंग कि ट्रिप पे जा रहे हैं, बहुत ही एक्सट्रीम एडवेंचरस ट्रिप है जहाँ पे रास्ते हैं नहीं है उस टाइप क्या है। तो आज मैं आप लोगों को अब बता देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। रीज़न ये था ना बताने का क्योंकि हमने दो हमारे दो ग्रुप हैं, एक जो ग्रुप है सोल वाला वो जा रहा है क्या कहते हैं स्पीति, और एक ये ले जा रहा है। तो बीच में कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर ऐसे हो रहा था, बट नाउ इट इज़ फाइनल कि जो मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ये न्यूज़ देनी थी और आगे इसके बाद जो ब्लॉग हैं वो कब आएंगे, कितने दिनों बाद आएंगे उसके लिए नहीं कह सकता हूँ, रीज़न बीइंग कि ट्रैवलिंग में एडिटिंग नहीं हो पाती है। बट ट्राई करूँगा कि शायद पहला वाला ब्लॉग डाल दूँ और जो रूट हम ले रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमने जो रूट लिया है वो लिया है, पहले दिन हम करेंगे, मतलब ऐसा डिसाइड किया है, करना नहीं करना ऑन द वो तो डिपेंड करता है कि कंडीशंस पे, बट चंडीगढ़ टू जिस्पा, जिस्पा फिर नाइट स्टे करेंगे, देन जिस्पा टू ले, फिर ले में दो दिन नाइट स्टे करेंगे और उसके बाद फिर नुब्रा वैली, देन पेंगोंग और फिर वापस सेम सर्किट, ठीक है। तो ये हमारी अभी ओवरऑल प्लानिंग है, पर आपको पता है कि ट्रिप पे आप कुछ जो प्लान करते हो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वैसा ही हो, बाकी होप फॉर बेस्ट। और अब बहुत ही शानदार ब्लॉग आने वाले हैं, लास्ट में भी मैंने कहा था, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी कुछ काम करवाने जा रहा हूँ, क्या काम करवाने जा रहा हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ और ब्लॉग को इन्जॉय कीजिए। सो गाइस, मैं जिस काम से गया था वो काम हो गया है, मतलब आया था, और वो काम क्या था वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ, एक बार लाइट हो जाए फिर उसके ऊपर। तो मेरे उस काम में 2.5 घंटे लग गए, बट वो काम ज़रूरी बहुत था क्योंकि अगर वो काम नहीं कराता तो फिर थोड़ा सा ऐसा हो जाता कि मज़ा नहीं आता। मैंने ट्रिप के जो हैं वो स्टिकर प्रिंट कराए, तो अभी लाइट पे रुकते हैं तो आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये मैंने तीन स्टिकर प्रिंट कराए, ये बड़ा और ये दो, ये तो मुझ मेरा जो सबसे फेवरेट है वो ये है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। तो मैं इस काम से आया था, बाकी खाने पीने की सारी चीज़ें कल ले चुके हैं, बाकी ग्रुप में जो है वो ले लेंगे। पानी मैंने कैरी कर लिया और जितनी भी मेडिसिन वेडिसिन है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स सब कुछ कैरी कर लिए। अच्छा गाइस, मैं आप लोगों को 4-5 चीज़ें बता देता हूँ जिससे कि जो भी अगर ये प्लान ट्रिप प्लान कर रहा हो तो उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आपको अगर आप हिमाचल की साइड से जा रहे हैं, जैसे अपना मनाली की साइड से जा रहे हैं, तो आपको RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत है और ई पास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ हुआ है, कोई कह रहा है कि ई पास चाहिए कोई RT-PCR चाहिए, बट एज़ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो 24-25 तारीख की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप लोगों को सिर्फ एक RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और ले में एंट्री के लिए तो ई पास की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए भी आपको ई पास नहीं चाहिए। तो बस आप सेफर साइड, आपको क्या करना है, आप RT-PCR रिपोर्ट लेके चलिए अपने साथ, और कहीं पे भी अगर किसी भी चेक पोस्ट पे कोई आपसे RT-PCR टेस्ट मांगता है आप उसको दीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। इसके अलावा थर्ड, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या कैरी करना है क्या नहीं करना है, कोई ब्लॉगर कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, बट RT-PCR कैरी कीजिए, वही आपका वन शॉट सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर वो है तो फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, और अगर RT-PCR नहीं है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ सकती है। तो RT-PCR टेस्ट कराइए जो कि 96 आवर्स से पुराना ना हो जब आप ले की सीमा में एंटर कर रहे हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बाकी सच कोई अब रूल रेगुलेशन है नहीं, सब कुछ ओपन हो गया, बट ये मास्क आप अपने साथ कैरी कीजिए क्योंकि मास्क आपकी सेफ्टी के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है, तो आप इसे हमेशा लगा के रखिए, इट विल सेव यू एंड योर लव वन लाइफ। तो इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग एंड, होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो आप लोगों को पता है, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। टिल नेक्स्ट ब्लॉग, टेक केयर, बाय बाय एंड पीस।